इमली तो हमसे कह रही थी कि वो लोगों का भला करती है, गरीब लड़कियों का ब्याह वगैरह। ब्याह नहीं, व्यापार। वो लोग बस्ती की लड़कियों का व्यापार कर रहे हैं चकोरिया दीदी। हाथी के दांत खाए के कुछ और दिखावे के कुछ और होवत है। यहाँ पर इमली के बहुत से गोरख धंधे, जिनमें से सबसे बुरा काम लड़की लोगन को बेचना है। जो भी लड़की ब्याह करके यहाँ से जावत है, वो कभी वापस नहीं आवत है। मतलब कुसुम को मालूम हो चुका था कि उसके साथ क्या होने वाला है, और इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। और फिर कुसुम की जगह पर कुमुद को लाया गया और कुमुद का ब्याह हो गया। और इसका मतलब कुमुद भी अब वो भी मरी गई समझो, वो कभी वापस नहीं आई है। ये तो क्या कह रही है भाकी? हमारे आजादगंज को ये किसकी नजर लग गई? सूरज, भाकी सूरज के साथ क्या हुआ? वो ऐसा क्यों हो गया? ये तब की बात है चकोरिया दी, जब तोरे जेल जाए के मात्र एक साल बाद, जब सूरज भैया को इमली के काले धंधे के बारे में पता चला, तो वो उसके पास सवाल करने के लिए गए। तुम सब लोगन का चिंता करे की कोनो जरूरत नहीं, तुम लोगन का बस अपनी बेटी ब्याह के गंगा नहाना है। और हाँ, जहाँ तक बात रही ब्याह के खर्चे की, तो वो सब हम उठा लेंगे। तुम लोगन की बिटिया बहुत खुश रही है। क्या हो रहा है ये सब? बंद करो ये सब। हमें तुम्हारे सारे कारनामों का कच्चा चिट्ठा मिल गया है। तुम्हारा ये काला धंधा हमारी हवेली में नहीं चलेगा। अभी के अभी अपनी काला बाजारी बंद करो और निकलो यहां से, वरना तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके यहीं पर दबा देंगे। हमारी चकोर के आजाद गंज को हम नरक नहीं बनने देंगे। निकलो यहां से। सूरज, धन्यवाद इमली जी, आपने हमारी जान बचा ली। आप नहीं होते तो हम तो उस पागलखाने में मर गए होते कब तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मां, धन्यवाद की कोई बात नहीं, हमें आपकी जरूरत थी इसलिए हम आपको बाहर निकल लाए। वो घटना के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो लोग सूरज भैया को कहां ले गए, उनके साथ क्या किया। जब वो वापस आए तो कौन को पहचानते ही नहीं थे, बस तीन लोग का नाम याद था उन्हें, एक अपना, एक इमली का और एक उस कमीने रण विजय का। उनका मालिक, मालिक अब सूरज भैया गुलाम है, उनके गुलाम। वो रण विजय एक सीटी बजाता है और वो कुत्ते की तरह दौड़ते हैं। बाकी हमें सूरज कहाँ मिलेगा? हमें उससे अभी के अभी बात करनी है।
ऐसा नहीं करो चकोरज जी, अब वो तुम्हारे सूरज नहीं, अब वो उन बदमाश लोगों के बंधुआ है। उन भेड़ियों की ओर पनो आंख भी उठाए हैं, तो सूरज भी उन्हें जान से मार देई है। वो हमारा सूरज भी तो है पाकी, हम भी तो देखें कि वो हमें जान से मार पाता है। तुम बस हमें ये बता कि सूरज हमें कहाँ मिलेगा। सूरज उस जगह पर रहता है, यहाँ पर? हाँ चकोरिया दीदी, वो लोगों ने सूरज भैया को यहाँ रखा है, मगर अब यहाँ गाय भैंस ना ही रहती है, अब यहाँ वो लोगों के हथियार रहते, गोला बारूद तलवारें, और उनकी पहरेदारी करते है सूरज भैया। चलो अंदर चलते हैं। नहीं चकोरिया दीदी, हम तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा सकते, सूरज भैया हमको अपना शत्रु समझते है, हम तो का रास्ता दिखाई दिए, आगे तोरी मर्जी। मैं मारने के लिए आई हूं, बोलो हमें जान से मारने आई हो ना? सूरज, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हम तुम्हें मारने आएंगे, अपने सूरज को। सूरज अब तुम्हारी चकोर है, हम बस तुमसे बात करना चाहते, प्लीज एक बार हमारी बात सुनो। झूठ मत बोलो, हमारी मालकिन इमली देवी ने हमें बताया है कि हमारी जान को खतरा है, कुछ लोग हैं जो हमें मारना चाहते हैं, और तुम हमें यहां। क्या तुम सच में हमें नहीं जानते? जानते, हम ये जानते हैं कि तुम हमारे मालिक और मालकिन की दुश्मन हो, और हम ये भी जानते हैं कि अब हम क्या करने वाले, हम तुम्हें जान से मारने वाले। ए मालिक मालकिन के गुलाम, हमरी चकुरिया दीदी को जाए दे, वरना हम थोड़ा खोपड़िया उड़ा देंगे। अपनी दीदी को समझा दे कि हमारे मालिक और मालकिन से दूर रहे, वरना काट डालेंगे। चकोर ये अब तोरा सूरज नहीं रहा दीदी, ये अब हम कौनों को नहीं पहचानत है। चलो दीदी, चलो यहां से। सूरज, सूरज हमारी बात सुनो, सूरज, 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 हम तुम्हारी चकोर है।
नहीं चलती। इतना सब कुछ कैसे बदल गया मन? हमारी इमली, हमारा आजादगंज, हमारा सूरज सब बिखर गया है, सब कुछ बिखर गया। आज हम हार गए माई। नहीं नहीं चकोरिया, ऐसा ना ही बोल बचवा, तू हार ना ही सकत है। तू चकोरिया है चकोरिया, हमली चकोरिया, आजादगंज की चकोरिया। बस बचवा, तू बहुत थक गई है, थोड़ा सोई जा, सब ठीक हो जाएगी। हाँ नहीं माई, अब हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माई ऐसा क्या हो गया जो हमारी इमलू इतनी बदल गई, उसमें इतना बदलाव आ गया? कैसे भाई? हमारा बलिदान आजादगंज को आजाद करवाना, हमारा जेल जाना, सब बेकार हो गया, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हमारी वो पुरानी इमली कहां चली गई भाई? हमें वो वापस चाहिए। और हमारा सूरज, सूरज चकुरिया, अच्छा सब ठीक हो जाए, ताक बाबा पे विश्वास रख, तो का तो ये सारे सवाल का जवाब मिल जाए। अगर अभी हमारी बात सुन ले, थोड़ा सोई जा, आराम कर ले। इतना सब देखने के बाद मैं नींद कैसे आएगी माई? तुरी नींद के लिए हमारे पास एक उपाय, पहले आग बंद कर। बात है, आप लोग इतने सवेरे सवेरे यहाँ क्यों आए? चकुरिया, हम सबन तोरे सामने हाथ जोड़ के विनती करे हैं। विनती? हाँ बचवा, हम सब लोगन का राक्षस से बचाए लो चकुरिया। हाँ चकुरिया, एक तो ही हम का उनके अत्याचार से बचा सकते।
हम सबके बचवा का जीवन अब तोरे हाथ में है चकोरिया। अब तू ही हमारी सहायता कर सकत हो चकोरिया। नहीं, अब हम आप लोगों को नहीं बचा सकते, आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। आप लोग जाइए यहां से। तू ही कैसन बात करते चकोरिया, तू तो ये बस्ती की मसीहा रही हमेशा से, तू हम लोग को आजाद ना कर रही है तो और कौन कर रही है? इसलिए कि हम आप लोगों की मदद नहीं करना चाहते। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कहते हुए कि हमारे सिवाय आप लोगों को इस गुलामी से कौन बचाएगा। आप लोग अपनी आजादी के लिए हम पर निर्भर कैसे हो सकते हैं? बंधवागिरी की जो बेड़ी आपके पैरों में पड़ी थी उसे तोड़ने के लिए हमने अपना पूरा बचपन जला दिया। आप लोगों को बंधवागिरी से मुक्ति दिलाने के लिए हमने एक व्यक्ति तक की हत्या कर दी, 5 सालों का अभिशाप झेला। आप सबको हमें खुशहाल आजादगंज सौंप कर गए थे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? इमली और रणविजय के नाम का पट्टा अपने गले में बांध लिया। हम एक कमल नारायण को मारकर गए थे और आप लोगों ने 2-2 कमल नारायण वापस पैदा कर दी। अगर आप लोग चाहते तो 1 मिनट में उन्हें इस बस्ती से बाहर फेंक सकते थे, लेकिन आप लोगों ने लड़ने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। हम एक बार गलती कर चुके आप लोगों को आजादी दिलवाकर, अब ये गलती हम वापस नहीं करेंगे। गलती उन राक्षसों की नहीं, आप कायरों की। आप लोगों को गुलामी करने की आदत पड़ चुकी, बंधवागिरी आपके खून में मिल गई है। ऐसा बात नहीं है चकोरिया, नहीं है। हम लोगों ने उनसे लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग बहुत ताकतवर, बहुत बाहुबली। बाहुबली, ताकत वाले। अपना हाथ ऊंचा कीजिए। हमने कहा आप सब अपना हाथ ऊंचा कीजिए। अब हम आपको बताते हैं ताकतवर वो लोग हैं या आप। ये एक टहनी आसानी से टूट गई। ये कई टहनियां हैं, इसीलिए इन्हें तोड़ना मुश्किल है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं।